Hello students, audience, friends and guys, how are you today? I hope that everyone is extremely and absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सभी के अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश में मोस्ट वेलकम करता हूँ और आशा करता हूँ मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल पर होंगे। सो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब के साइड में जो बेल का आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज आने वाली नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिल जाए। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने मेरा प्री वीडियोज वॉच की हैं, उन्हें फर्स्ट पॉइंट टू फोर्थ पॉइंट तक मैंने उस पर काम किया, डिस्कस किया उन पर, तो आज हम सिक्स्थ पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं। द सिक्स्थ पॉइंट फॉर HBSC एंड CBSE 12th आंट जेनिफर्स टाइगर्स, रिटन बाय एड्रियन रिच। तो एड्रियन रिच के द्वारा ये पॉइंट लिखी गई स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए कम टू द पॉइंट पॉइंट पर आते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द थीम या अबाउट द पॉइम, पॉइम के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑन विच थीम दिस पॉइम इज बेस्ड, किस थीम पर यह पॉइम बेस्ड है। तो स्टूडेंट्स, ये जो पोइम है 20th सेंचुरी की बहुत फेमस पोइम है और एड्रियन रिच जो है 20th सेंचुरी की बहुत फेमस पोइटेस है। तो स्टूडेंट्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें USA की जो एक फीमेल की जो कंडीशन है, जो फीमेल का जो एक पोर्ट्रे किया गया है, उनकी जो एक बेड कंडीशन को चित्रित किया गया है कि उस समय पर 20th सेंचुरी में जो फीमेल की जो कंडीशन थी USA के अंदर वो काफ़ी अच्छी नहीं थी। यानी कि कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि उनकी जो एक सोसाइटी के अंदर जो रेपुटेशन थी और एक जो उनका एक जो मैरिड लाइफ की जो कंडीशन थी वो काफ़ी टॉर्चर्ड थी। यानी कि उनको फिजिकली टॉर्चर भी किया जाता था और इमोशनली टॉर्चर भी वो की जाती थी। आंट जेनिफर नाम के कैरेक्टर को पिक्चराइज करके, हाईलाइट करके 20th सेंचुरी में जो USA के अंदर फीमेल की जो कंडीशन थी, मैरिड लाइफ में जो उनकी बैड कंडीशन थी, उसको यहाँ पिक्चराइज किया गया है। तो स्टूडेंट्स, अब इसको हम देखते हैं, अबाउट द पोइम के बारे में पढ़ते हैं। इन दिस पोइम, इस पोइम में स्टूडेंट्स, आंट जेनिफर्स हैज क्रिएटेड टाइगर्स ऑन ए पैनल। इस कविता के अंदर आंट जेनिफर्स, देखिए आंट जेनिफर को इस प्रकार से यहाँ पर एक्सपोज किया गया, इस प्रकार से पिक्चराइज किया गया, इसको हाईलाइट किया गया, जैसे कि यूनिवर्सली नॉन है, सभी के द्वारा जानी जाती है, कॉमन नेम है ये, जैसे इसको आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो उसमें ये नहीं लिखा कि हर आंट, इसको यूनिवर्सली फैक्ट बना दिया कि इसको सभी जानते हैं, एक कॉमन एक कैरेक्टर ये यहाँ पर पिक्चराइज किया गया। तो इस कविता में आंट जेनिफर्स हैज क्रिएटेड, बना चुकी है टाइगर्स। अब टाइगर स्टूडेंट्स देखिएगा, एक नॉन लिविंग थिंग है, वो एक पैनल के ऊपर, यानी कि एक जो वूलन क्लॉथ होता है, CLOTH, देखिएगा अगर CLOTH हम लिखते हैं तो कपड़े का टुकड़ा होता है, और CLOTHES लिखते हैं स्टूडेंट्स तो सिले हुए कपड़े होते हैं। तो एक क्लॉथ जो होता है, एक जो वूलन क्लॉथ है, एक जो ऊनी कपड़ा है, उसके ऊपर वो पैनल बनाती है, और जो पैनल बनाती है, जो वो एक आइवरी नीडल के साथ, यानी कि एक हाथी दांत की सुई, इसमें मेंशन की गई है, आगे स्टैंजाज में देखेंगे हम, तो उसके साथ वो उस पैनल पर कुछ डिज़ाइन करते हैं, कुछ एम्ब्रॉयडरी करती है, जैसे कि कुछ प्रोफेशनल जो एम्ब्रॉयडर होते हैं, जो उस पर वर्क करते हैं कपड़े के ऊपर, वुलन क्लॉथ के ऊपर डिज़ाइन बनाते हैं अच्छे अच्छे। तो उसी प्रकार से इस पोइम के अंदर जो आंट जेनिफर है, वो एक वुलन एक क्लॉथ है, ऊनी कपड़ा है, उसको एक फ्रेम के अंदर वो स्क्रू के द्वारा टाइट कर देती है, स्ट्रेच कर देती है पूरी तरह से, जिससे उसके ऊपर वो जो श्रिंकनेस होती है, वो जो यू कैन से दैट एक जो लाइनें बनी होती हैं वो सभी खत्म हो जाती हैं, कपड़ा स्ट्रेच हो जाता है, पूरी तरह से टाइट हो जाता है। तो टाइट उस कपड़े के ऊपर जब उसको एक लकड़ी के फ्रेम में स्ट्रेच किया जाता है स्क्रू के द्वारा, तो उस पर वो एक आइवरी नीडल के द्वारा, हाथी दांत की जो सुई है उसको आइवरी नीडल बोलते हैं, जिसको सिलाई बोल सकते हो, हाथी दांत की सिलाई बोल सकते हो, उससे वो उसके वुलन क्लॉथ के अंदर जो है एम्ब्रॉयडरी करती है, डिज़ाइन बनाती है। वो डिज़ाइन किस चीज़ की बनाती है? टाइगर्स की बनाती है। ये टाइगर्स स्टूडेंट्स, ये आंट जेनिफर के एक आइडियल है। जैसे कि कोई भी इंसान होता है जो जिसकी तरह बनना चाहता है तो उसको अपना आइडियल मानता है, उसकी तरह वो काम करना चाहता है, ऑलराइट। तो वो टाइगर्स की तरह ब्रेव बनना चाहती है। टाइगर किसका सिंबल है? ब्रेवनेस का, स्ट्रांगनेस का, और माइटी यानी कि शक्तिशाली, जो लाइफ में जो इंसान माइटी पर्सन होते हैं उनका सिंबल है। तो इसने कहा कि वो जो हैज़ क्रिएटेड, बना चुकी है टाइगर्स ऑन ए पैनल, पैनल के ऊपर वो टाइगर बना चुकी है। और स्ट्रिप, जो स्ट्रिप होता है स्टूडेंट्स, यानी कि एक पट्टी के ऊपर, ऑफ वूलन क्लॉथ, ऊनी कपड़े की जो एक पट्टी कह सकते हो या एक पैनल कह सकते हो, उस पर उसने टाइगर्स बनाए हैं, एम्ब्रॉयडरी उसने की है, कढ़ाई का काम उसने किया है उस पर। सी इज़ मेकिंग द फिगर्स ऑफ टाइगर्स, सी इज़ मेकिंग, वह बना रही है द फिगर्स, आकृतियाँ, डिज़ाइन ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स का, टाइगरों का वो डिज़ाइन बना रही है, विद द हेल्प ऑफ एन आइवरी नीडल। यानी कि आइवरी नीडल क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर हाथी दांत की सुई। तो जो हाथी दांत की सिलाई है, जो सुई है, वो उसकी सहायता से वो पैनल के ऊपर टाइगर्स के चित्र जो है बना रही है। सी मेक्स द फिगर्स ऑफ टाइगर्स रोमिंग फ्रीली इन द फॉरेस्ट, सी मेक्स, वह बनाती है द फिगर्स, आकृतियाँ ऑफ टाइगर्स, टाइगरों की,
तो स्टूडेंट्स देखिएगा, ये जो आंट जेनिफर है ये टाइगरों की जो आकृति क्यों बनाती है, क्योंकि उसकी जो खुद की लाइफ है, जो मैरिड लाइफ है, वो काफ़ी इमोशनली टॉर्चर है। वो काफ़ी एक यू कैन से दैट आप मान सकते हो कि सोसाइटी में उसकी लाइफ जो है बिल्कुल भी फ्रीली वो लाइफ नहीं जी रही है। वो काफ़ी प्रेशर में है, काफ़ी बर्डन में रहती है। उसके हस्बैंड का जो है, उसके हस्बैंड ने अंकल ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है जिसके अंदर वो अपनी लाइफ में काफ़ी घुटन महसूस कर रही है। तो वो टाइगर्स को अपना आइडियल मानते हैं, क्योंकि टाइगर्स किसी से डरते नहीं है, वो फियरलेस होते हैं। तो रोमिंग फ्रीली, वो स्वतंत्रता पूर्वक आज़ादी से घूम रहे हैं। तो वो भी चाहती है कि मैं स्वतंत्रता पूर्वक आज़ादी से घूमूं, लेकिन वो एक प्रकार से प्रैक्टिकली तो उस चीज़ का यानी कि प्रोटेस्ट नहीं कर सकती है अपने हस्बैंड के सामने। लेकिन इन टाइगर्स के माध्यम से, टाइगर्स किसका सिंबल है, ब्रेवनेस का, स्ट्रांगनेस का, ओके। तो इनके सहायता से वो अपनी जो भावनाएं, अपने इमोशन है, उनको एक्सपोज कर रही है, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है, वो बता रही है सब चीज़ें। तो इसमें कहा गया है कि सी मेक्स द फिगर्स ऑफ टाइगर्स रोमिंग फ्रीली इन द फॉरेस्ट। और देखिए यहाँ पर उन्होंने टाइगर्स के साथ ऐसा रिलेशन दिखाया है कि जैसे उसके टाइगर, यानी कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स, तो आंट जेनिफर के टाइगर, तो आंट जेनिफर के टाइगर का मतलब क्या है कि उसका राइट उन पर है, जो वो टाइगर बना रही है, उसके जो आइडियल है वो, इसीलिए उसका राइट उस पर ज़्यादा है, क्योंकि वो उनको अपना आइडियल मानती है। तो रोमिंग फ्रीली इन द फॉरेस्ट, जंगल में जो टाइगर हैं, जिस प्रकार स्वतंत्रता पूर्वक आज़ादी से घूमते हैं, तो उसी प्रकार से वो उनका चित्रण जो है, पिक्चर जो उनकी बना रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है उससे, वुलन क्लॉथ के ऊपर, राइट। दे डू नॉट फियर द मैन, वे मनुष्य से नहीं डरते, वो पुरुषों से नहीं डरते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, इसमें जो मैन है वो 20th सेंचुरी में यूएसए के जितने भी यानी कि एक जो मैन कम्युनिटी है, जो पुरुष जाति है पूरी, उसको इंडिकेट करता है। यानी कि उस समय पर पुरुषों का जो टॉर्चर था, एक जो इमोशनली टॉर्चर है, फिजिकली टॉर्चर जो था, तो वो महिलाओं पर ज़्यादा था। तो उस समय की कंडीशन को, सिचुएशन को ये जो पोइटेस है इस पोइम के माध्यम से एक्सपोज कर रही है। तो अब ये जो मैन है, ये पूरे यूएसए के पर्सन है, यानी पुरुष जाति है, जो टॉर्चर कर रहे थे। तो डू नॉट फियर, वो जो टाइगर्स हैं, डू नॉट फियर द मैन, उन पुरुषों से नहीं डरते हैं। स्टैंडिंग अंडर द ट्री, जो वृक्ष के नीचे खड़े हुए, यानी कि आंट जेनिफर्स तो देखो एक ओपनली प्रोटेस्ट नहीं कर सकती है अपने हस्बैंड का, या फिर वहाँ की जो 20th सेंचुरी में जितनी यूएसए के अंदर जो महिलाएं थी, जो कंटेम्प्रेरी जो विमेन थी, तो अपने हस्बैंड्स का वो ओपनली तो उनको प्रोटेस्ट नहीं कर सकती हैं। लेकिन उन सभी महिलाओं के जो आइडियल है टाइगर्स, तो वो उनको टाइगर्स को अपने आइडियल मानती हैं, उनके माध्यम से अपनी जो फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हैं कि ये जो हमारे टाइगर हैं, महिलाएं कहती हैं कि हमारे जो टाइगर्स हैं ये उन पुरुषों से नहीं डरते हैं जो हमारे ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं, हम इन टाइगरों की तरह बनना चाहती हैं, राइट। और ये टाइगर पुरुषों से नहीं डरते हैं, यूएसए के जो पूरी मेल कम्युनिटी उससे नहीं डरते हैं। तो ये वहाँ की यूएसए की पूरी मेल कम्युनिटी को इंडिकेट कर रहा है। और टाइगर्स क्या है, फीमेल का जो एक आइडियलिज्म है, जो आदर्श है, जो फीमेल के जो आइडियल हैं उनको इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि इसमें हर चीज़ में सिंबोलिज्म क्रिएट किया गया है, यानी कि प्रतीकात्मकता है, और सिंबल बनाए गए हैं कि ये टाइगर्स किस चीज़ का सिंबल है, ब्रेवनेस का, स्ट्रोंगनेस का, ये मैन किस चीज़ का सिंबल है, ये यूएसए की पूरी मेल कम्युनिटी का सिंबल है। तो इस प्रकार से आपको समझना में कोशिश करनी पड़ेगी इसको, राइट। इस पर थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, राइट। दे पेस अबाउट फियरलेसली, दे पेस होता है मूव करना, गति करना, वे चलते हैं अबाउट फियरलेसली, यानी कि फियरलेसली का मतलब होता है निर्भय होकर, भय से रहित होकर, उनमें कोई भय नहीं। कि नहीं, टाइगर्स में जो फीमेल्स का जो सिंबल है, वहाँ जो आइडियल है टाइगर्स, वो टाइगर नहीं डरते उन पुरुषों से, और वो एक प्रकार से फियरलेसली घूम रहे हैं, निर्भय होकर घूम रहे हैं। आंट जेनिफर इज ओल्ड एंड वीक, आंट जेनिफर काफ़ी बूढ़ी हो गई है, काफ़ी कमजोर हो गई है। हर हैंड्स आर मूविंग, उसके हाथ जो है मूविंग, चल रहे हैं। अबाउट द वूल, वो जो कपड़ा स्ट्रेच किया गया है, उस लकड़ी के फ्रेम में स्क्रू से टाइट किया गया है, जिस पर एम्ब्रॉयडरी होने वाली है, कढ़ाई होने वाली है, तो उस कपड़े के आसपास उसके हाथ चल रहे हैं, घूम रहे हैं। हर फीबल फिंगर्स, फीबल होता है कमजोर, उसकी कमजोर जो अंगुलियां हैं स्टूडेंट्स, फाइंड पाती हैं इट डिफिकल्ट, बड़ा कठिन पाती हैं, टू पुल खींचना, इवन द आइवरी नीडल। आइवरी नीडल क्या होता है, हाथी दांत की सुई को, थ्रू द वूल, यानी कि जो वूल का जो पैनल है, जिसको स्ट्रेच किया गया है लकड़ी के फ्रेम में स्क्रू के द्वारा टाइट करके, तो उस फ्रेम में से वो जो हाथी दांत की सुई है, उसको एक्रॉस आर से पार निकालने में काफ़ी उसको दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो इतनी कमज़ोर हो गई, उसकी जो अंगुलियां हैं, फिंगर्स हैं, वो काफ़ी डिफिकल्टी महसूस कर रही हैं पुल खींचने में, उस सुई को खींचने में, उस सिलाई को खींचने में, उस वूल क्लॉथ से, वो जो वूलन पैनल है उसमें से, उस हाथी दांत की सुई को खींचने में वो काफ़ी असमर्थ हो रही है, काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रही है। हर ऑन मैरिड लाइफ, हर ऑन मैरिड लाइफ, उसकी जो शादीशुदा जिंदगी है स्टूडेंट्स, हर ऑन मैरिड लाइफ,
हैज बीन एन अटर फेलियर, वह एक पूरी तरह से, अटर मीन्स होता है पूरी तरह से फेलियर, असफल है उसकी शादीशुदा लाइफ जो है पूरी तरह से उसमें वो असफल है, वो शादी उसकी सफल नहीं है। हर हस्बैंड हैज़ परहैप्स बीन टू सीवियर विद हर, यानी कि उसका हस्बैंड जो है, शायद उसका हस्बैंड जो है उस पर, सीवियर का मतलब होता है सख्त, काफ़ी कठोर, उसके प्रति, उस आंट जेनिफर के प्रति उसके हस्बैंड का जो व्यवहार काफ़ी सख्त है, काफ़ी कठोर है। सी फील्स द हैवी वेट ऑफ द मैरिज रिंग गिवन टू हर, यानी कि वो महसूस करती है द हैवी वेट, भारी वजन, बोझ ऑफ द मैरिज रिंग, यानी कि शादी की जो रिंग है, अंगूठी है, जो वेडिंग बैंड है उसका जो वेट, यानी कि लिटरली वेट कोई वजन से रिलेट नहीं है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेट, गिवन टू हर बाई हर हस्बैंड, जो उसके हस्बैंड के द्वारा उसको वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो वेट दिया गया है वो उसको वजन को महसूस करती है। सी फील्स टाइड डाउन बाई दैट वेट, वो उस वजन से अपने आप को बंधा हो पाती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को बंधा हो पाती है। वैन आंट जेनिफर इज डेड, जब आंट जेनिफर मर जाएगी, इवन देन तब भी हर हैंड्स विल टेल द होल स्टोरी ऑफ हर अनहैप्पी लाइफ, तब भी उसके जो हाथ हैं जो निर्जीव होंगे उसमें, वो बताएंगे, होल मीन्स कंप्लीटली, आंशिक रूप से, समुचित स्टोरी, कहानी ऑफ हर अनहैप्पी लाइफ, उसकी दुखद जीवन की। द सर्कुलर मार्क ऑन हर हैंड, उसके हाथ पर जो गोल निशान है, जो कि एक वेडिंग बैंड का जो सिंबल है यहाँ पर, उसकी लाइफ में डिफिकल्टी के फेज का जो सिंबल है, प्रॉब्लम्स का जो सिंबल है, ऑन हर हैंड विल टेल द टेल ऑफ हर स्प्रिंग, यानी कि उसकी जीवन की समस्याओं की, उसकी पीड़ाओं की वो कहानी बताएंगे। उसके हाथों पर जो निशान होंगे मरने के बाद, उन बैंड के, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, एक सिंबल है एक वेडिंग बैंड का और एक मैरिड लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो मरने के बाद भी उसके हाथों पर वो निशान रहेंगे और वो उसकी पीड़ा की कहानी सुनाएंगे। द ऑडियंस ऑफ हर मैरिड, ऑडियंस में तो होता है कठोर परीक्षा, यानी कि एक डिफिकल्टी का फेज, प्रॉब्लम्स लाइफ की। द ऑडियंस ऑफ हर मैरिड लाइफ कैन बी रोइड रेड रेड बाई सींग हर, उसको देखकर ये स्पष्ट रूप से पता लग सकता है, इसको पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है इस चीज़ को, कि उसकी मैरिड लाइफ, उसने कितनी कठोर परीक्षाएं, कितना कठोर जीवन उसने जिया है। बट द टाइगर्स क्रिएटेड बाई हर, किंतु जो टाइगर उसके द्वारा बनाए गए हैं, विल गो ऑन प्लेइंग, वो खेल रहे होंगे मैरिली हैप्पीली, यानी खुशी के साथ, एंड फियरलेसली, यानी कि इसमें पोइटस का कहने का मतलब ये है कि आंट जेनिफर्स की लाइफ जो है कितनी ट्रेजडी से भरी क्यों ना हो, कितनी डिफिकल्टी के फेज लाइफ में क्यों ना फेस की हो, लेकिन जो उसके आइडियल है आंट जेनिफर के, जिनको वो आइडियल मानती है, उसके आइडियल हमेशा ही एक सिंबल बनकर रहेंगे, ब्रेवनेस का, स्ट्रांगनेस का, एक बहादुरी का सिंबल रहेंगे, एक शिवलरिक लाइफ को वो शो करेंगे। तो ये इसमें दिखाया गया है स्टूडेंट्स, तो आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपरली। ओके, फिर भी कोई डाउट होता है यू कैन राइट, इट्स योर ऑन राइट टू राइट समथिंग इन कमेंट बॉक्स, एंड आई कैन से विद अश्योरेंस दैट आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम दैट टाइम। सो स्टूडेंट्स देखिएगा, अब ये जो अबाउट द पोएम के बारे में मैंने पढ़ा है, इसमें कम्प्लीटली जितने भी स्टैंजाज आप पढ़ने वाले हो, सभी स्टैंजाज का एक जिस्ट है, एक समरी है, एक कम्प्लीटली आप ये मान सकते हो उनकी ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन है। तो इनको पढ़ने के बाद कुछ स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस रहते हैं कि सर क्या हमको एनसीईआरटी क्वेश्चंस लर्न करने हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, कम्प्लीटली जो क्वेश्चंस होते हैं वो सभी के सभी बेस्ड होते हैं समरी के ऊपर, पोइम के जो स्टैंडर्ड होते हैं उन पर बेस्ड होते हैं। जब आपको कम्प्लीटली ये पोइम का जो अबाउट द पोइम है या फिर उसकी एक्सप्लेनेशन है कम्प्लीटली समझ आ जाती है, स्टैंडर्ड्स की ट्रांसलेशन एक्सप्लेनेशन कम्प्लीटली समझ आ जाती है, उसको जितने भी सिम्बोलिज्म उसमें दिए गए वो सभी समझ आ जाते हैं, तो स्टूडेंट्स आई डोंट थिंक दैट यू नीड टू लर्न एनी मोर। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स कि आपको कोई और क्वेश्चन लर्न करने की जरूरत पड़ सकती है उस टाइम पर, जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एंड यू कैन से दैट इनसाइट बेस्ड क्वेश्चंस है, उनको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं बचती आपको। आपको सिर्फ इस पोइम के स्टैंजाज को अंडरस्टैंड करना है, स्टैंजाज पर बेस्ड क्वेश्चंस लर्न करने हैं, और ये अबाउट द जो थीम है, यानी कि जिस थीम पर ये पोइम बेस्ड है उसको समझना है, उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन लर्न करने की जरूरत नहीं बचती है। सिर्फ आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है उसको राइट डाउन करना है, राइट। तो देखिएगा स्टैंजा फर्स्ट, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस ए स्क्रीन, ये आंट जेनिफर्स टाइगर्स इसमें इस प्रकार शो किया गया, जैसे कि आंट जेनिफर का उन पर अपना राइट है, अकेले आंट जेनिफर के ही टाइगर ऐसा इसमें दिखाया गया, जबकि ये सभी उन महिलाओं को इंडिकेट करते हैं जितनी महिलाएं पुरुषों के द्वारा टॉर्चर की जाती हैं, यानी कि इमोशनली टॉर्चर आप कह सकते हो, और एक प्रकार से जो सोसाइटी में वो काफ़ी बर्डन फील करती हैं, और फिजिकली जो टॉर्चर की जाती हैं, तो उन सबका ये सिंबल है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस स्क्रीन, आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो उछलते हैं अक्रॉस स्क्रीन, स्क्रीन के आगे, यानी कि जिस पैनल पर वो काम कर रही है, जिस पैनल पर वो टाइगर बना रही है, तो उस पैनल के ऊपर, उस स्क्रीन के ऊपर जो आंट जेनिफर्स के जो टाइगर है वो उछलते हुए ऐसे बनाया गया, उनको ऐसे पिक्चराइज किया गया, ऐसे एम्ब्रॉयड किया गया है कि जैसे ऐसा प्रतीत होता है कि वो उस पैनल के ऊपर उछल रहे हैं। ऑलराइट, ब्राइट टॉपाज डेनिजन्स, यानी कि टॉपाज का मतलब होता है स्टूडेंट्स पुखराज, वो एक चमकीले पुखराज हैं। डेनिजन्स का मतलब होता है इनहैबिटेंट्स, यानी कि निवासी,
ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी कि हरे भरे संसार के वो एक निवासी हैं। वो जो टाइगर है स्टूडेंट्स, वो एक ब्राइट, यानी कि ब्राइट क्यों बोला गया उनको, चमकीले, टोपाज, एक टोपाज जो होता है स्टूडेंट्स, एक काफ़ी चमकीला शाइनी जो स्टोन होता है जिसको पुखराज बोलते हैं, जो काफ़ी प्रेशस होता है। तो ब्राइट टोपाज डेनिजन्स, उन टाइगर्स को बताया गया है कि वो चमकीले पुखराज हैं, डेनिजन्स निवासी ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे भरे संसार के उस फॉरेस्ट के उस जंगल के वो एक ब्राइट टोपाज हैं, निवासी हैं, क्योंकि जो टोपाज होता है उसका कलर भी ऐसा ही होता है जैसा कि टाइगर्स का होता है। दे डू नॉट फियर द मैन, वे उन पुरुषों से नहीं डरते हैं, बीनीथ द ट्री, जो पुरुष वहाँ उस जो एम्ब्रॉयडरी की गई है उस पैनल के ऊपर जो काम किया गया है, वहाँ एक वृक्ष बनाया गया है, वृक्ष के नीचे कुछ पुरुष जो है जो मेल दिखाए गए हैं, तो उनसे वो टाइगर नहीं डरते हैं। आंट जेनिफर जो है पूरी महिलाओं का एक सिंबल है, उसके जो टाइगर आइडियल है वो टाइगर उसके, तो वो उनसे नहीं डरते हैं, उन पुरुषों से। दे पेस इन स्लीक श्वेलरिक सर्टेनिटी, ये जो श्वेलरिक लिखा गया स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है काफ़ी माइट, जिसको हम बोलते हैं बहादुरी से, माइटी पर्सन को बोलते हैं, शक्तिशाली जो इंसान होते हैं, बहादुर जो इंसान होते हैं। दे पेस मतलब मूव करना, वे गति करते हैं, इन स्लीक होता है स्मूथनेस के साथ, यानी कि स्मूथली काफ़ी धीरे धीरे अपनी एक जो एक नेचुरल जो फॉर्म होती है उनकी, जिसमें वो एक ब्रेव पर्सन जो अपनी गति से चलता है, तो उस प्रकार से दे पेस इन स्लीक श्वेलरिक सर्टेनिटी, वो एक बहादुरी के साथ, निश्चित रूप से वे बहादुरी के साथ अपनी जो चाल उनकी है, जो उनकी गति है, उस गति में वो चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अबाउट द पोइटस देखिएगा, एड्रियन रिच वॉज बॉर्न इन बाल्टीमोर, एड्रियन रिच वॉज बॉर्न इन बाल्टीमोर मैरीलैंड। ये जो है स्टूडेंट्स, जो एड्रियन रिच है, ये पैदा हुई थी बाल्टीमोर मैरीलैंड, ये जगह यूएसए के अंदर है, इन 1929 में यूएसए में बाल्टीमोर मैरीलैंड कोई जगह है, वहाँ पर ये पैदा हुई थी। सी इज वाइडली नोन, इसको विस्तृत रूप से, व्यापक रूप से जाना जाता है फॉर हर इन्वॉल्वमेंट, अपनी इन्वॉल्वमेंट के बिहाव पर, अपने इन्वॉल्वमेंट के कारण, यानी कि हस्तक्षेप के कारण, इन कंटेम्प्रेरी यानी कि समकालीन जो विमेन्स मूवमेंट, यानी कि जो उसके समय की, उसके टाइम की जो महिलाएं थी, उनके जो आंदोलन कह सकते हो, उनके हित के लिए लड़ने के लिए इसको जाना जाता है, यानी कि उसको एक व्यापक रूप से जाना जाता है हस्तक्षेप करने के लिए। इन कंटेम्प्रेरी विमेन्स मूवमेंट, यानी कि उसके समय की जो महिलाएं थी, जो पुरुषों से पीड़ित थी, जो परेशान की जा रही थी, उन महिलाओं के हक के लिए, उन महिलाओं की हलचल के लिए, मूवमेंट के लिए, आंदोलन के लिए, लड़ने के लिए, उनमें हस्तक्षेप करने के लिए वो जानी जाती है। एज ए पोइटेस, एक कवयित्री के रूप में, एंड थियोरिस्ट, और एक विचारक सिद्धांतवादी के रूप में, देखिएगा पोइट भी बोल सकते हो और पोइटेस भी कह सकते हो। द पोइम आंट जेनिफर्स टाइगर, यानी कि कविता जो आंट जेनिफर के जो टाइगर है, ये जो पोइम है, एड्रेसेस संबोधित करती है, द कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को, ऑफ मैरिड लाइफ ए वोमन एक्सपीरियंसिस, एक जो महिला है, एक वोमेन जो है, उस महिला के जो अनुभवों की, शादीशुदा जो महिला है उसकी जो मैरिड लाइफ के जो एक्सपीरियंसिस हैं, उन अनुभवों की जो समस्याएं हैं, जो कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको वो संबोधित करती है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चंस विद आंसर्स देखते हैं। हु हैज़ रिटन दिस पोइम, इस कविता को कौन लिख चुका है? एड्रियन रिच हैज़ रिटन दिस पोइम। वट आर आंट जेनिफर्स टाइगर्स डूइंग, आंट जेनिफर्स के टाइगर क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? दे आर प्रेंसिंग, यानी कि वर्ब के रूप में काम कर रहा है, वो उछल रहे हैं अक्रॉस स्क्रीन, स्क्रीन के आगे, स्क्रीन के आर से पार, वो उछलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाउ डू द टाइगर्स लुक, टाइगर कैसे दिखते हैं? दे लुक ब्राइट डेनिजेंस, वे दिखाई देते हैं चमकीले, डेनिजेंस इनहैबिटेंट्स, निवासी, ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे भरे संसार के जंगल के वो निवासी दिखाई दे रहे हैं, यानी दिखाई देते हो कैसे, जंगल के निवासी। वॉट आर टाइगर्स नॉट अफ्रेड ऑफ, टाइगर्स किससे नहीं डरते हैं? द टाइगर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ द मैन, उन पुरुषों से वो नहीं डरते हैं, हु आर स्टैंडिंग बीनीथ द ट्री, जो वृक्ष के नीचे खड़े हैं उनसे वो नहीं डरते हैं। द राइम स्कीम ऑफ दिस स्ट्रेंजा इज, देखिए इस स्ट्रेंजा की जो राइम स्कीम है वो क्या है, इस पर हम नोट फोकस करते हैं। राइम स्कीम का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जिसमें कविता लिखी जाती है, जिसमें पोइम लिखी जाती है, एक रिदम जो होता है, जो उस पोइम की जो लय होती है, यानी कि पोइम को हम कपलेट्स में लिखते हैं, तो एक स्टेंजा में यदि फोर लाइन्स हैं तो उसमें टू कपलेट्स हैं, तो जो पहला कपलेट होता है उसमें जो उस फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड होता है उसकी साउंड, उसका रिदम, उसकी लय, उसी कपलेट की जो नेक्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है उससे मैच करता है कि नहीं करता है, उसको हम ए बी सी डी में काउंट करते हैं। यदि फर्स्ट कपलेट की दोनों लाइनों की जो साउंड है वो एक जैसी है तो उसको ए ए मानते हैं, और नेक्स्ट कपलेट जो उसी स्टेंजे का है उसकी साउंड सेम है तो उसको बी बी में काउंट कर लेते हैं। जैसे कि देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ जो ये स्टेंजा यहाँ पर है स्टूडेंट्स, इसमें देखिएगा ये जो लाइन है एस स्क्रीन, अब ये एस स्क्रीन और ग्रीन, इसमें स्क्रीन और ग्रीन, यानी कि ए बी सी डी, आप इसको ऐसा मान सकते हो।
तो इसमें देखिएगा स्क्रीन और ग्रीन दोनों सेम साउंड आ रही हैं, तो ये दोनों क्या होगी, ए से इंडिकेट होगी। द ट्री सर्टेनिटी, तो ट्री और सर्टेनिटी इसमें एक साउंड आ रही है तो ये बी में इंडिकेट हो गया। तो अब ये ए ए और बी बी की साउंड इसमें मानी जाएगी। यदि वो स्टैंजा फोर कपलेट्स का बना हुआ है तो एक कपलेट की साउंड सेम है तो ए माना जाएगा ए ए, सेकेंड कपलेट की साउंड सेम है तो उसको बी बी से इंडिकेट करेंगे, थर्ड कपलेट की साउंड सेम है तो सी सी से इंडिकेट करेंगे, और फोर्थ कपलेट की जो साउंड सेम है तो उसको हम डी डी से इंडिकेट करेंगे। तो इसमें देखिएगा, तो फर्स्ट ए है तो सेकेंड लाइन का भी वही साउंड है तो इसको ए माना जाएगा। थर्ड लाइन जो है अब उसका जो साउंड है स्टूडेंट्स वो, और जो फोर्थ लाइन है उसका सेम है, तो ये फिर जो बी है ये पोस्टपोन होकर आगे जाता है, तो बी बी इसको हम इंडिकेट करेंगे। तो ए ए और बी बी का साउंड इसमें है क्योंकि फर्स्ट स्टैंजा जो हमारा है उसका जो फर्स्ट कपलेट है दोनों लाइनों की साउंड सेम है, और जो फर्स्ट स्टैंजा की जो सेकंड कपलेट है उसकी साउंड सेम है, तो ए ए दोनों लाइन सेम है, तो नेक्स्ट लाइन क्या हुई फिर, वो कपलेट क्या हुआ, बी बी, दोनों की साउंड सेम है, तो इसको बोलते हैं रिदम राइम, इसको कहा जाता है स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, स्टैंजा टू। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लॉचरिंग थ्रू हर बोल, इसको फ्लटरिंग नहीं बोलते, फ्लॉचरिंग बोलते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, अब इस कपलेट का मतलब यहाँ पर यह बनता है स्टूडेंट्स कि आंट जेनिफर की जो अंगुलियाँ हैं, जो फिंगर्स हैं, फ्लॉचरिंग मीन्स क्या है, फड़फड़ा रही है, कपकपा रही है, ट्रेमलिंग हो रही है, कपकपी बनी हुई है। थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, यानी कि जो वूलन का जो एक क्लॉथ है जिसको एक लकड़ी के फ्रेम में जो स्क्रू के द्वारा स्ट्रेच किया गया है उस पर जब वो काम कर रही है तो उसमें से आइवरी नीडल, हाथी दांत की जो वो सिलाई है, जो सुई है, उसको उसमें से एक्रॉस आर से पार निकालते समय उसकी अंगुलियां जो है कपकपा रही हैं। हार्ड टू पुल यानी खींचना उसको बड़ा मुश्किल हो रहा है। एम्ब्रॉयडरी करते समय उसमें जब वो उसको उस पैनल में से वो एक्रॉस कर रही है, आर से पार वो सुई को निकाल रही है, तो उतनी कमजोर है कि वो उसको निकालने में असमर्थ हो रही है, उसमें काफ़ी उसकी ताकत लग रही है। द मैसिव का मतलब होता है एक बोझा जिसको बोलते हैं वेट, एक बोझल जो भार होता है, एक जो ओवर वेट जिसको आप बोल सकते हो। ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यानी कि अंकल्स वेडिंग, ये वेडिंग बैंड किससे संबंधित है, अंकल से। अंकल का जो वेडिंग बैंड है, जो शादी का उन्होंने जो रिंग पहनाई है, जो कड़ा पहनाया है, उसका जो भार है, जो वेट है, वो मैसिव हो गया, यानी कि ओवर अधिक हो गया, उसको वो टॉलरेट नहीं कर पा रही है। आंट सीट्स हैवली अपॉन, अपॉन एक प्रपोजिशन है और ये एडवर्ब का काम कर रहा है, राइट, जो नाउन प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव होता है, नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर जो मॉडिफाई करे उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड्स, यानी कि सिट्स बैठता है, हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड्स, आंट जेनिफर के जो हाथ है उस हाथ के ऊपर वो जो अंकल का जो बैंड है, शादी का जो कड़ा है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मिली है, उसका वेट इतना हैवी हो गया है कि वो उसके हाथ जो है चाची के उसको झेल नहीं पा रहे हैं, उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी मैसिव वेट उसका हो गया है, वो एक बोझ बनकर, भार बनकर आंट जेनिफर्स के हाथ पर वो एक बैठ गया है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लॉचरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, आंट जेनिफर की जो अंगुलियां हैं वो काफ़ी कपकपा रही हैं उस वूलन के क्लॉथ के जो वो पैनल है, जो वूलन का, उसमें से हाथी दांत की सिलाई को एक्रॉस करने में, आर से पार निकालने में वो कपकपा रही हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल का जो शादी का जो कड़ा अंकल ने दिया है चाची को, एक साइन है उनकी जो एक मैरिड लाइफ का, उसका वेट जो है ओवर हो गया, वो ज़्यादा बोझल हो गया है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है उसकी। सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, चाची के हाथ पर वो एक हैवी बनकर बैठ गया है, उसका जो वेट है ज़्यादा हो गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाची की ज़्यादा हो गई है, जो कि ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसकी मैरिड लाइफ की, जो बिल्कुल सही नहीं है, यानी कि अंकल उसको टॉर्चर करता है, इमोशनली टॉर्चर भी करता है, फिजिकली टॉर्चर भी करता है, तो वो जो शादी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए ज़्यादा परेशानी उसको दे रही है। क्वेश्चंस देखिए स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द पोइम एंड द पोइट, अब इसमें पोइम का नाम बताना, पोइट का नाम, ये क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना स्टूडेंट्स, तो मैं आपके इस क्वेश्चन के आंसर का इंतजार करूंगा, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर डालोगे, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट आर आंट जेनिफर्स फिंगर्स डूइंग, आंट जेनिफर की फिंगर्स क्या कर रही हैं स्टूडेंट्स, आंट जेनिफर्स फिंगर्स आर फ्लचरिंग थ्रू हर वूल, यानी कि वो ऊन में से, उस जो वूलन का जो पैनल है उसमें से वो फ्लचरिंग कर रही है, कपकपा रही है, वो एक्रॉस नहीं हो पा रहा उससे वो आइवरी नीडल। How does Aunt Jennifer seem to be? Aunt Jennifer कैसी प्रतीत होती है, कैसी दिखाई देती है? Aunt Jennifer seems very old and भी काफ़ी बूढ़ी कमजोर दिखाई देती है। What sits heavy on Aunt Jennifer's hand? क्या चीज़ हैवी है on Aunt Jennifer's hand? Aunt Jennifer के जो हाथ है उस पर किस चीज़ का वजन ज़्यादा है, कौन हैवी हो गई है?
अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवेली ऑन आंट जेनिफर्स हैंड। यानी कि इस स्टेंजे के अंदर कंप्लीटली आपको मैंने बताया वही इसके आंसर्स हैं। वॉट सॉर्ट ऑफ पर्सन डज अंकल अपीयर टू बी, अंकल किस प्रकार का पर्सन जो है व्यक्ति प्रतीत होता है, ये इसके फोर आंसर्स यहाँ पर हैं। फोर के फोर भी राइट हो सकते हैं, इनमें से कोई एक भी राइट हो सकता है। ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको खुद देना स्टूडेंट्स। मैं वेट करूंगा आपके इस क्वेश्चन के आंसर का, कमेंट बॉक्स में आप उसको शेयर करोगे। स्टेंजा थर्ड देखिए स्टूडेंट्स, When aunt is dead, जब चाची मर जाती है, her terrified hands will lie, उसके जो horrified हैं, terrified जो भयभीत करने वाले जो हाथ हैं, will lie, वो भी मर जाएंगे, निर्जीव हो जाएंगे। Still ringed, फिर भी ring का मतलब क्या students? वो जो शादी की responsibility का जो बंधन है, उससे फिर भी मुक्त नहीं होती है वो, और जो एक ring है, जो band को indicate कर रहा है, वो फिर भी उसके हाथ में रहेगा। With ordeal, she was mastered by, यानी कि जो एक ऑर्डियल्स है, जो उसकी लाइफ में पूरी जिंदगी जो कठोर परीक्षा उसकी लेता रहा है, सी वॉज मास्टर्ड बाय, जिसके द्वारा उसको नियंत्रित किया गया, मास्टर्ड किया गया। यानी कि इस लाइन में स्टूडेंट्स एक स्लेव और ऑनर की भी यहाँ पर एक सिचुएशन दिखाई गई है कि जो आंट जेनिफर है वो स्लेव दास के रूप में है, और जो उसका हस्बैंड पति है वो एक ऑनर है, मालिक है। जैसे मालिक स्लेव को टॉर्चर करता है, उसी प्रकार से वो हस्बैंड उसका टॉर्चर कर रहा है, आंट जेनिफर को अंकल जो है टॉर्चर कर रहा है। तो उसने बताया है इसमें कि देखिए उसके मरने के बाद उसके हाथ जो है वो निर्जीव हो जाएंगे, वो भी मर जाएंगे। स्टिल रिंग, फिर भी उसके हाथों में जो ऑर्डियल्स, जो कठोर परीक्षा का, जो जो एक मैरिड लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो वो कड़ा है, जो वो सिचुएशन है, जो वो बंधन है, जिसके द्वारा उसको नियंत्रित किया गया पूरी लाइफ, वो फिर भी उसके साथ रहेगा। द टाइगर्स इन द पैनल, पैनल में जो टाइगर उसने बनाए हैं आंट जेनिफर ने, दैट सी मेड, जो उसने बनाए थे, विल गो ऑन प्रेंसिंग, वो उछलते रहेंगे। प्रेंसिंग का मतलब होता है उछलना, प्राउड गर्व के साथ, एंड अनअफ्रेड, बिल्कुल निर्भय होकर। उसने कहा देखिए जो विमन की लाइफ है, जो मैरिड लाइफ है, उसमें उनके जो हस्बैंड्स के द्वारा उनका टॉर्चर किया जाता है, लेकिन जो उनके आइडियल है, वो उनके आइडियल इतने स्ट्रांग, ब्रेव है कि उन महिलाओं के मरने के बाद भी वो उन महिलाओं की जो थॉट प्रोसेस है, उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी जो एक जिस प्रकार वो प्रोटेस्ट नहीं कर पाई एक प्रकार से ओपनली, लेकिन उनके जो एक सिंबल हैं, जो टाइगर्स उन्होंने बनाए हैं, तो उनके माध्यम से वो बाकी की जो एक जनरेशन है, बाकी का जो टाइम होगा, उनको वो हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे, उनको इंस्पायर करते रहेंगे कि वो टाइगर जो हैं प्राउडली, प्राउड के साथ, गर्व के साथ, और अनअफ्रेड, निर्भय होकर, प्रांसिंग का मतलब उछलते रहेंगे, और जो आने वाली जनरेशन है उसको इंस्पायर करते रहेंगे कि कोई किसी पर टॉर्चर कितना ही क्यों ना कर रहे, लेकिन उनके द्वारा किया गया जो काम है वो काफ़ी ब्रेव वर्क है, काफ़ी उन्होंने जो इंस्पायर किया लोगों को। तो इस प्रकार से इस स्टेंजे में मेंशन किया गया है, लास्ट स्टेंजा है, कंक्लूजन है इस पूरी पोएम का। तो स्टूडेंट्स आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपरली, फिर भी एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। जब चाची मर जाती है तो उसके जो टेरिफाइड हैंड्स है, जो भयभीत करने वाले हाथ है, क्योंकि वो इतनी कमजोर हो गई थी कि उसकी, इट मीन्स यू कैन सी दैट एक एज्ड होकर नहीं मर रही है वो, अपनी जो एक टाइमली डेथ होती है वो नहीं है, अनटाइमली डेथ होगी उसकी, क्योंकि जो इंसान परेशानी में रहता है उसकी अनटाइमली डेथ ही होती है। तो उसके हाथ जो है वो भी निर्जीव हो जाएंगे, लेकिन हाथों में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कड़ा है वो फिर भी रहेगा। ऑर्डियल्स, जिन कठोर परीक्षाओं ने, जिस डिफिकल्टी के फेज ने उसको हमेशा ही नियंत्रित रखा है, उस पर हमेशा ही ऑर्डर चलाया है। द टाइगर्स इन द पैनल, पैनल पर जो बनाए गए टाइगर हैं, वो जो उसमें आंट जेनिफर ने बनाए हैं, विल गो ऑन प्रांसिंग, वो उछलते रहेंगे प्राउड गर्व के साथ, एंड अनअफ्रेड, निर्भय होकर वो हमेशा उछलते रहेंगे और आने वाली जनरेशन को इंस्पायर करते रहेंगे। ऑलराइट, फिर भी कोई डाउट है तो आप इनको कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। देखिएगा इसके क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट वाज आंट जेनिफर्स, देखिएगा क्वेश्चंस, व्हाट वाज आंट जेनिफर मास्टर्ड बाय, आंट जेनिफर को किसके द्वारा नियंत्रित किया गया। आंट जेनिफर वॉज मास्टर्ड बाई हर ऑर्डियल्स, यानी कि जैसे स्टेंज में आपने पढ़ाया कि ऑर्डियल्स मीन्स उसकी जो कठोर परीक्षाएं ली जा रही थी, जो लाइफ का जो डिफिकल्टी का फेज था, उसने उसको कंट्रोल किया है, उसको टॉर्चर किया है। यानी कि जो अंकल ने जो सिचुएशन क्रिएट की थी, तो उन सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको टॉर्चर किया गया। तो वो जो सिचुएशंस थी, जो ऑडियल्स थी, जो कठोर जो जो उसकी परीक्षाएं ली जा रही थी, जो कठिनाई वाला जो उसको लाइफ था, तो उसने उसको मास्टर किया है, उसको नियंत्रित किया है। हाउ विल हर हैंड्स अपियर आफ्टर हर डेथ, उसके हाथ कैसे प्रतीत होंगे उसकी मौत के बाद। हर हैंड्स विल अपियर हॉरीफाइड आफ्टर हर डेथ, उसकी मौत के बाद उसके हाथ टेरिफाइड, हॉरीफाइड, भयभीत करने वाले प्रतीत होंगे। वॉट विल द टाइगर्स इन द पैनल डू, पैनल पर टाइगर क्या करेंगे। द टाइगर्स विल गो ऑन प्रेंसिंग, यानी कि टाइगर पैनल पर उछलते रहेंगे। हाउ डू द टाइगर्स लुक, टाइगर कैसे दिखते हैं। द टाइगर्स लुक प्राउड एंड फियरलेस, यानी कि बहुत ही गर्विले दिखते हैं, गर्व के साथ दिखाई देते हैं, और निर्भय दिखाई देते हैं, भय से रहित दिखाई देते हैं, उनमें कोई भय नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपरली। फिर भी स्टूडेंट्स कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो, इट्स योर ऑन राइट। सो स्टूडेंट्स अब इसमें देखिएगा, आपको इंटेंशनली वर्क करना है, अपनी हार्टली कॉन्शियसली वर्क करना है, और इनको फेयर नोटबुक में राइट डाउन करना है,
ये आपका अपना राइट है. सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप इंजॉइंग, एंड बाय गाइज. बेस्ट ऑफ लक.